भी बात करें तो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण होती है। आप सभी लोग कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि इन सभी सेशन में हम ये प्रयास करेंगे उन सभी प्रश्नों को पढ़ने के लिए जहाँ सबके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। एक बार ही नहीं, कई बार यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे कॉपी कलम के साथ बने रहें, क्योंकि हमारा ये हमेशा से प्रयास रहेगा हम उन प्रश्नों को तथ्यों को आपके साथ नोट डाउन कराते चले जो आपके लिए परीक्षा की अहम होगा। आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आज जो सामान्य रोग है जहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा, मतलब एक तरह से याद कर लीजिए कि अगर जब भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो एक प्रश्न यहाँ से आते हैं सामान्य रोग से जुड़ा हुआ। तो जब हम जानते हैं कि यहाँ से एक प्रश्न आना है तो आज ही उन प्रश्नों की तैयारी क्यों ना करें। तो जितने भी मित्र हमारे साथ हैं वे सबसे पहला काम वीडियो को शेयर कर लें, इस क्लास के अंत तक बने रहें। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जी हाँ, पहला जो सवाल ही आपके सामने है शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली औषधि कौन सी है। फटाफट अंदाजे पढ़ेंगे क्लास को, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ इन सभी तथ्यों को, इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। लेकिन सर्वप्रथम क्या है, हमें इन प्रश्नों पर भी फोकस करना होगा, इन टॉपिकों पर। रेस्पियन है, सल्फाविराजॉल है, एस्पिरिन है, इंसुलिन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा इन सभी सवालों के जवाब सभी दीजिएगा कि संक्रामक रोगों को अवरुद्ध करने के लिए दी जाने वाली निम्नलिखित में से औषधि कौन सी है। जी हाँ, एकदम आपने सही बताया, सभी लोगों ने यहाँ सही बताया है, सल्फाविराजॉल है। मतलब यहाँ पर सवाल का उत्तर क्या होगा, बी, या ई लर्निंग विद दुर्गेश में होगा, क्योंकि हमने पहले आपको बताया या एनसीईआरटी की साइंस है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम और इंपॉर्टेंट भी बनता है। हम इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप चाहें हम किसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है। मॉर्फिन है, एस्पिरिन है, टैक्साल है, रेस्पियन है। तो सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके भी इन सारे प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट अंदाज में प्रश्न को बताइए और इसके उत्तर तक बताइए, ताकि हम लोग भी आपके साथ कदम दर कदम एक एक करके आगे बढ़ते रहें। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, और आप लोगों के जो प्रश्न थे वो भी यहाँ पर सही हैं, उत्तर भी। यहाँ पर कौन एक संश्लेषित दवा का उदाहरण है, तो एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो है ये संश्लेषित दवा का उदाहरण है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे आपको परेशान होना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ने अगले सवाल की तरफ, अगला है रेबीज की जो उस्मान अवधि हो सकती है। एक सवाल पूछा जाता है, रेबीज किससे फैलता है। कई बार आपके परीक्षा में सवाल आ चुका होगा, मुझे लग रहा है आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और इसके बारे में जानते होंगे, रेबीज कैसे फैलता है। लेकिन यहाँ पे एक नया प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, रेबीज की उष्मान अवधि हो सकती है 10 दिन से 365 दिनों तक, 2 दिन से 6 दिन तक, 1 दिन से 2 दिन तक, 10 साल से 20 साल तक। तो जितने भी साथी मित्र हमारे सेशन में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ बने हैं, वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जरूर जवाब देंगे, ठीक है। हम यहां से इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि 10 दिन से 365 दिनों तक। अगर आप इस सेशन में बने हैं तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कि रेबीज की जो उष्मान अवधि हो सकती है वो 10 दिन से 365 दिनों तक हो सकती है। हम इसी के साथ अगले प्रश्न, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। तो अगला जो सवाल है कि साल्बुटामोल नामक दवा किसके उपचार के लिए उपयुक्त है। माइग्रेन के लिए, मधुमेह के लिए, दमा के लिए, कैंसर के लिए। तो सभी साथी जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। साल्बुटामोल नामक दवा, ये एनसीईआरटी, मैंने आपको पहले बताया, पूरा एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी उन प्रश्नों को खंगाल कर ला रहे हैं जो आपसे छूट जाती है, जिन प्रश्नों तक आप नहीं पहुंच पाते, हम उन प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि आप इन प्रश्नों तक बने रहें और इसके अंत तक भी चले, क्योंकि रेस से घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। जी हाँ, साल्बुटामोल नामक जो दवा है वो एकदम सही आप लोगों ने बताया है, ठीक। यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर अगर हम बात करें तो दमा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ नए सवाल, नए प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। सिमेटिडिन, पेंसिलिन, डिगोजिन, पैरासिटामोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दें। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, एनसीईआरटी को अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, तब इन प्रश्नों के जवाब बहुत ही आसानी से और आसान भाषा में आप दे लेंगे। जी हाँ, निम्नलिखित में कौन एक महत्वपूर्ण हृदय उद्दीपक है। सिमेटिडिन, पेंसिलिन, डिओक्जिन, पैरासिटामोल।
एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया यहाँ पर, टिग्गो जी ने यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला आपके सामने, भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधि, वेरी वेरी, सभी जवाब दीजिएगा। देखिए जो भी निःशुल्क क्लास है आपके लिए टेलीग्राम पर आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश जुड़े रहेंगे, पूरे दिन की जितने भी क्लास की नोटिफिकेशन होती है, नोट्स होती है, वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है, यहाँ पर आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो डी की कमी से कौन सी रोग होती है, सभी लोग जरूर जवाब देंगे। और एक बात और बताइएगा कि स्कर्वी कैसे होती है, वेरी वेरी कैसे होती है, रतौंधि कैसे होती है, रिकेट्स कैसे होते हैं, ये चारों ऐसे प्रश्न है, चारों जो विकल्प है यहां से भी आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। हम चाहेंगे इन प्रश्नों पर भी आपका ध्यान और आपका फोकस जरूर हो। तो यहां पर आपको एकदम सही जवाब देना होगा, रतौंधि किसकी विटामिन की कमी से होता है, वेरी वेरी किससे होता है, स्कर्वी किस विटामिन कमी से होता है, सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है एकदम सही आप लोगों ने बताया, रिकेट्स। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं एक नए सवाल की तरफ, एक नए प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इन सभी की स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। इस प्रश्न का उत्तर तो ए हो गया, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है मैंने बता दिया यहाँ पे। अब रतौंधि होता है किसके, विटामिन ए की कमी से, वेरी वेरी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो यह आप लोगों ने, ठीक है, तो इन तथ्यों को पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह रिवीजन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको यह पता चलेगा अभी आप कितने पानी में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल परीक्षा होगी हम बेहतर स्कोर कर लेंगे, लेकिन पहले आज पे तो फोकस करिए। प्रतिरक्षी नाम में से किससे दिया गया, जहरीले पदार्थ, रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण को अवरुद्ध करते हैं या नष्ट करते हैं, हानिकारक जीवाणु, संक्रमणकारी विषाणु, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं। प्रतिरक्षी नाम किसे दिया गया, सभी लोग जवाब देंगे। मैंने आपसे पहले बताया पूरा एनसीईआरटी है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी को हम फोकस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी को भी आप पूरी तरह से पढ़ें, पूरी तरह से तथ्यों को समझें, और जब भी वीडियो में आए तो अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर साझा करें। प्रतिरक्षी नाम से किसे दिया जाता है, तो रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणुओं के आक्रमण को अवरुद्ध करे या नष्ट करते हैं उन्हें प्रतिरक्षी कहा जाता है। इसलिए सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका बी होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। आप लोग प्रतिदिन क्लास में एकदम समय से आइए और समय तक बने रहिएगा, तभी जाकर आप तथ्यों को समझेंगे, तब जाके तथ्यों को और अच्छे से जान पाएंगे। हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक नए प्रश्न की तरफ। अगला अगर प्रश्न की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी अरक्तता के रोगियों में होती है, आयोडीन, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो प्रश्न नंबर 8 के जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। किस तत्व की कमी अरक्तता के रोगियों की होती है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम कमी से कौन सा रोग होता है, कैल्शियम कमी से क्या होता है, सरल फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए एनसीईआरटी खत्म होने के बाद हम लोग एससीईआरटी पर ही फोकस करेंगे, लेकिन क्रमवार कम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आपने, क्योंकि अब एनसीईआरटी और सीईआरटी में कोई फर्क नहीं रह गया है, अगर आप तथ्यों की बात करें तो लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगी, बस ऊपर नीचे मिल जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब हम लोग जो डिफरेंस थोड़ा सा है वो हम लास्ट सेशन जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो निचोड़ है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं। जी हाँ, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्रश्न नंबर 8 का, तो आप लोगों ने सही जवाब दिया लोहा, आयरन की कमी से, मतलब बी वालों के जवाब यहाँ पे सही है कि कमी से अरक्तता रोगियों को होती है, इसे एनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। लैक्टिक अम्ल किससे किस लिए का यूज होता है, स्कर्वी अम्ल क्या है, साइट्रिक अम्ल क्या है, ऑल ऑफ दी। तो यहां पर पहले तो ये जान लीजिएगा ऑल ऑफ दी इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो। अब आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके कि आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चाहे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप जहां भी देख रहे हैं आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न जब आप जवाब देते हैं, ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना काफी मदद होती है सभी लोगों की। और ये बहुत ही आसान सा सवाल है और ये परीक्षा के लिए ही है, इंपॉर्टेंट है, सरल। कई बार आप लोगों ने पढ़ा, ऐसा नहीं कि हो सकता है कुछ लोग कहना सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इसे कई बार पढ़ लिया है, कई बार से आप इसे जानते हैं, पहचानते हैं। बताइए सभी विटामिन सी के बारे में, चलिए आप बताइए। तब तक हम वीडियो को शेयर कर लें, क्योंकि आप तो शेयर ही नहीं करेंगे, आप लोगों ने सोच रखा है कि नहीं आप शेयर ही नहीं करने वाले हैं। जी अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्कर्वी अम्ल, लैक्टिक अम्ल क्या होता है, किस लिए होता है,
लैक्टिकम क्या होता है कमेंट कर बताइएगा, सैट्रिकम क्या और किसके लिए होता है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। काफी लोगों ने सही जवाब दिया इस प्रश्न का, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब भी दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही। नीचे समय भी चल रहा है और आप ये देख पाएंगे कौन से प्रश्न को कितने समय में आपने सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में हो सकता है माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। प्रश्न नंबर 10 का जवाब सभी को देना है, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो यहां पर मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में हो सकता है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, सभी साथी जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पर लाइव निःशुल्क चल रहा है, इसे लर्न विद दुर्गेश के ऐप पर भी आप पढ़ सकते हैं, वहां पर भी आप इसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं इसके बारे में। कमेंट भी करते रहिएगा सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, कुछ लोगों ने ग्लूकोज। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी ग्लूकोज बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ लोगों ने सुक्रोज बताया था, गलत। सुक्रोज क्या होता है कमेंट कर बताइएगा, लैक्टोज क्या होता है किसके लिए होता है, माल्टोज क्या होता है, ये सब लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ जो आपके सामने है। वेरी वेरी नामक रोग किस विटामिन कमी से होता है, आज के सेशन हमने बताया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है कमेंट कर बताइएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी बताइएगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। मैंने रोग से जुड़ा हुआ जो टॉपिक था आज के टॉपिक्स में, आज के सेशन में हम लोग क्लियर कर लेंगे ताकि आने वाले सेशन में यहां से कोई भी दिक्कत, कोई प्रश्न सवाल ना रह जाए। जी हाँ, एकदम आप लोगों ने सही बताया, इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा विटामिन बी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ, यहां तक किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला है, तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटीन है, रेस्पीन है, एस्पिरिन है, मॉर्फिन है। ये पूरी एनसीईआरटी में बार बार आपसे कहूंगा, पूरी एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी को जितना कवर करेंगे आप उतना बेहतर स्कोर करेंगे। तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, मैं चाहूंगा प्रश्न नंबर 12 का जवाब सभी लोग दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन को पढ़ रहे हैं। एकदम सही आप लोगों ने बताया, तंबाकू के अगर मुख्य घटक की बात करें तो यहां पर क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, निकोटीन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है, निकोटीन। तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, निकोटीन है। हम इसी के साथ नए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसी के साथ नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली दवा होती है, रोगाणुनाशी होती है, प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, मलेरिया रोधी औषधि। प्रश्न नंबर 13 के जवाब सभी साथी मित्र दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। देखिए गलत होगा सही होगा, लेकिन जब भी पढ़ा करिए क्लास हमारे साथ तो जवाब जरूर दिया करिए। हम चाहते हैं जब भी आप जवाब देते हैं, कुछ लोग कहेंगे सरल प्रश्न अगर उनको आ रहा है, अगर नहीं आता तो कहेंगे कठिन सवाल है, लेकिन अब प्रश्न में जवाब देना जरूरी होता है। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली दवा होती है, आज के सेशन हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, विनय जी ने, प्रिया जी ने एकदम सही जवाब दिया है। यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा प्रतिरोधी, मतलब आपने अगर इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला है, ज्वरांतक या एंटीपायरेटिक वह दवा है जो शरीर के ताप को बढ़ाती है, विषाणु के आक्रमण से बचाती है, शरीर के ताप को कम करती है, किसी भी संक्रमण को दूर करती है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, ज्वरांतक या एंटीपायरेटिक वह दवा होती है। अब देखिए जी, हिंदी जो जानता होगा ज्वरांतक वो भी बता लेगा, जो एंटीपायरेटिक जानता होगा वो भी यहां पर बता लेगा। तो आप तब बता लेंगे जब इस सेशन में बनेंगे, जब इस सेशन को पूरा पढ़ेंगे तब ही आप समझ पाएंगे। ज्वरांतक माने ज्वर माने बुखार होगा, बुखार में क्या होगा, शरीर को ताप को बढ़ाएगा यह तो होगा नहीं, विषाणु से बचाती है, शरीर के ताप को कम करती है, तभी तो बुखार से बचाएगी। अर्थात इस सवाल का जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा आपका सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर सी आया है, तो जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से एक नए सवाल, एक नया प्रश्न की तरफ। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला है,
मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ है। प्रतिरक्षी, डीएनए, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने के लिए क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है कमेंट करें जवाब दीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट करिएगा। कार्बोहाइड्रेट कमी से कौन सा रोग होता है? एंजाइम क्या है कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये सब इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स मिल जाएगी। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं सभी नोट्स से संबंधित। एकदम सही जवाब लोगों को दिया, एकदम हलवा सा सवाल है। यहां पर क्या होगा? प्रतिरक्षी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है, प्रतिरक्षी। हम बढ़ते हैं फिर से इसी के साथ एक नए सवाल की तरफ। टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली दवा का नाम क्या है? सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप कल को सरकारी नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर नौकरी मिलेगी तो इस तरह से आपको तथ्यों को जानना जरूरी है। सल्फा ड्रग है, क्लोरोमाइसिटीन है, क्लोरोक्वीन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने लोग इस सेशन में बने हैं, वे सब इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। गलत होगा उससे ज्यादा क्या होगा? हाँ, डीएनए का फुल फॉर्म एकदम सही आपने बताया है। और कोई है? बस एक ही लोगों ने डीएनए का फुल फॉर्म जवाब दिया है। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म ये पूछ सकता है आप किस परीक्षा में? क्लोरोमाइसिटीन, मतलब इस सवाल का उत्तर क्या होगा? बी। अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न की तरफ, नए सवाल की तरफ। आप लोगों ने जवाब पूरी तरह से सही दिया है। अगला है, निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर से कम होने वाला पदार्थ क्या है? अब आप ये देखते चलेगा कितने समय में आपने प्रश्नों के जवाब दिए हैं। प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, शर्करा, सोडियम क्लोराइड। इतने कम लोग क्यों लाइव है मैं कैसे बता सकता हूं? कम लोग लाइव इसलिए होंगे कि उन लोग को लग रहा होगा इतने लोग को लगता है कि हमें पढ़ने की जरूरत है, बाकी लोग को लग रहा होगा कि नहीं हमें सोने की जरूरत है। निर्जलीकरण के दौरान मानव शरीर में कम होने वाला जो पदार्थ है उसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, खासकर जब परीक्षा की बात करते हैं तब। हम बढ़ते हैं फिर से अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। अपोहन या डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनका फेफड़ा विकार हो, हृदय रोग हो, वृक्क विकार हो, यकृत रोग हो। सभी लोग जवाब दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अपोहन या डायलिसिस, क्योंकि देखिए ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, बस फर्क इतना ही है। यहां पर ये क्या है, इंग्लिश में लिखा है और ये आपका हिंदी में है, बस इतना ही अंतर है। तो आप लोग जरा जवाब दीजिए फटाफट कि अपोहन या डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है। देखिए सब लोग सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए संख्या कम है। जितने लोग लाइव सेशन में, अगर उतने लोग वीडियो को शेयर कर दें। NaCl, Na2 क्या होगा? देखिए अच्छा, जो भी क्लास में जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? आपकी भी जिम्मेदारी उतनी जितनी की मेरी है। तो अपोहन या डायलिसिस उन रोगियों को किया जाता है, एकदम सही आप लोगों ने बताया है। वृक्क विकार, सी वाला जवाब यहां पे सही है। हम इसी के साथ बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ। अगला है, मलेरिया रोधी दवा के रूप में काम आने वाली औषधि होती है? एस्पिरिन, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्विन, हाइड्रोक्विनो, नियोप्रिन। मलेरिया रोधी, सभी लोग जवाब दीजिएगा। गलत होगा कोई बात नहीं, देखिए नोट्स में पूरा आपको मिल जाएगा। वैसे एनसीईआरटी नहीं छोड़ा है, अभी फिर मैराथन भी लेने वाले हैं और जो बीच में गैपिंग होने वाली है तो यहां पर होगा क्लोरोक्वीन। मतलब बी वालों का जवाब यहां पे सही है, क्लोरोक्वीन। अगर आपने भी क्लोरोक्वीन बताया इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से आगे अगले प्रश्न की तरफ, आगे आपको मिलने वाला है। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? नहीं वाले प्रश्न बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में होंगे, बहुत ही ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? सभी लोग जवाब दीजिएगा, पोलियो, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा रोग। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग लाइव है उतने लोग जवाब दीजिए, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। गलत या सही जवाब आने चाहिए। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता? तो याद रहे क्षय रोग होता है,
टाइफाइड होता है, हैजा होता है, पोलियो नहीं होता। तो मतलब इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा पोलियो। अगर ए आप लोगों ने जवाब दिया है तो इसका मतलब आपका जवाब पूरी तरह से सही। हम बढ़ते हैं फिर से नए सवाल की तरफ, समझ में आ रहा है ना। अगला है, हैजा जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? विब्रियो कोलोरी, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ई कोलाई, उपरोक्त सभी। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं, जितने लोग हमारे साथ सेशन में बने। अच्छा, इसमें से बताइए टीबी किसके द्वारा होता है? क्षय रोग। इसमें क्षय रोग का भी होगा। तो अगर जो लोग लगातार क्लास पढ़े होंगे या जिन्होंने हमारी थ्योरी की सेशन पढ़ी होगी वो इसे जवाब आसानी से दे लेंगे। हैजा जिस जीवाणु के द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? एकदम सही आप लोगों ने बताया, विब्रियो कोलेरी। यह है आपका क्षय रोग, जिसे आप टीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। हमेशा के साथ नए सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं आपके साथ। हैजे के लक्षण क्या है? उल्टी होना, अतिवाती दस्त, मांसपेशियों में ऐठन, उपरोक्त सभी। अच्छा, कल की क्लास में कितने लोग कितने और लोगों को जोड़ के रखेंगे कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग साथ देंगे तभी हम और बड़ा और बेहतर कर पाएंगे। तो जितनी जिम्मेदारी मेरी होती है, मुझे क्लास पढ़ाने हैं, टाइम से आपके साथ लाइव सेशन करना है, उतने आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि लोगों को टाइम से लाना, वीडियो को शेयर करना। हैजे के लक्षण की अगर बात करें तो उल्टी होना, अतिवाती दस्त, मांसपेशियों में ऐठन, ऑल ऑफ दिस। डी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, ट्यूबरकुलिन किसके द्वारा छोड़ा गया अविषालु पदार्थ है? जीवाणुओं के द्वारा, शैवाल के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा। सभी जवाब दीजिएगा, ट्यूबरकुलिन किसके द्वारा छोड़ा गया अविषालु पदार्थ है? सवाल कठिन है, सरल, जरा कमेंट करके बताइएगा। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, ये पूरा एनसीईआरटी सेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया, पूरा एनसीईआरटी को ही हम लोग कवर कर रहे हैं। यहां पर प्रश्न का उत्तर तो वैसे जीवाणु द्वारा होगा, ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है, साल्मोनेला टाइफी क्या है? विषाणु है, लाभदायक विषाणु जो टाइफाइड उत्पन्न करता है, जीवाणु है, ईस्ट है, बताइए। साल्मोनेला टाइफी है एक क्या है? यह एक जीवाणु है। यह क्या है? एक जीवाणु है। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपके सवाल के उत्तर पूरी तरह से सही थे। इसे दो बार देख लीजिएगा, तीन बार देख लीजिएगा, साथ में थ्योरी का सेशन भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला है रेबीज। रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है? कमेंट कर बताइएगा। रेबीज को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग कमेंट करिएगा। यह आज का आखिरी सवाल है। आप लोग टेलीग्राम पर जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, दुर्गेश सर सर्च करके इन लर्निंग विद दुर्गेश जुड़ जाएंगे, जहाँ पे सभी क्लास की लिंक, क्लास पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाती है। और अगर आप नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती हैं। इन लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर भी जाकर आप क्लासेज पूरा पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के सभी नोट्स वहाँ पर पढ़ सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी नोट्स वहां पर आपको उपलब्ध है। तो उम्मीद करते हैं सेशन या सीरीज आपको काफी बेहतर लग रहा होगा, काफी चीजें आपको यहां पर सीखने को जानने को मिली होंगी। लेकिन फिर भी प्रश्न नंबर 25 का जवाब क्या होगा? रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है? जलांतक, हैजा, पोलिया, निमोनिया। तो तीन जानते हैं ना, पोलियो में ना, हैजा में ना, निमोनिया में है। जब तीन में नहीं है तो चौथा अपने आप ए बच गया। पोलियो में भी नहीं है, निमोनिया में भी नहीं है, हैजा में भी नहीं है, तो जलांतक में होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने भी प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब सही है। देखिए मनीष जी, क्या है कि इस टॉपिक के अलावा हम इस वीडियो कमेंट करिए, कमेंट करके बताएंगे। और मनीष जी, इस पर हमने वीडियो बना दी, एक बार देख लीजिएगा, और जल्दी इस पर और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम क्लास में साइंस के अलावा किसी टॉपिक पर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वीडियो बाद में भी देखें उनको लगेगा देखिए पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस और बातें क्या हो रही है। इसलिए जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और
एक सवाल ये, एंटीबायोटिक क्या होता है? कमेंट कर जवाब दीजिएगा, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं? कोविड 19 क्या है, कोविड 19 क्या है? ये मेरा जवाब आपसे, प्रश्न मेरा आपसे है कि कोविड 19 क्या है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नाम सुना है, लेकिन आज आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना और बताना है। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तब आराम से सोच के बताइएगा कोविड 19 क्या है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, मुझे आपके सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर आप अपने व्यक्तिगत सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? और आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं लोगों तक पहुंचिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा, लोगों तक पहुंचे। कल के सेशन में एक नए टॉपिक, एक नई सीरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत, क्योंकि रेस के घोड़े हमें